हेलो चिल्ड्रेन वेलकम बैक टू माय चैनल टुडेज वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ़ प्रीवियस ईयर ओके इन टुडेज वीडियो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ़ प्रीवियस ईयर सो दैट क्या आपको आइडिया हो जाए कि, कि किस तरह के क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में आते हैं अभी तक हमने जितनी वीडियोज़ देखी उसमें हमने एक टॉपिक पर एक चैप्टर किया था अब जो हम पेपर सॉल्व करेंगे इसमें सारे टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये आप लोगों को पता चलेगा ठीक है तो देखते हैं कौन से कौन से क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि नंबर्स किस ऑर्डर में है इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है नंबर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं अब हमें पैटर्न में फाइंड आउट करना है कि, कि किस पैटर्न से बढ़ रहे हैं इसके लिए क्या करेंगे जो मिसिंग नंबर है उससे पहले वाले नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी फाइव इसमें से हमने इसको माइनस किया है तो क्या आया ट्वेंटी फाइव इट मीन्स हर आगे वाले नंबर को लिखने के लिए हमें पहले वाले नंबर में ट्वेंटी फाइव ऐड करना है तो वन सेवेंटी में ट्वेंटी फाइव ऐड करेंगे तो क्या आएगा वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा सेकेंड क्वेश्चन देयर इज़ अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन आइदर साइड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग नंबर एक पेयर ये है और एक पेयर इधर है लेकिन ये इनकम्प्लीट है ओके तो हमें इन दोनों में पहले देखना है क्या रिलेशन है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ इनमें से कौन सा नंबर आएगा वो लिखना है तो इसके लिए पहले हमें ध्यान से देखना होगा कि इनमें क्या पैटर्न है यहाँ एक फिगर है जिसमें कि फाइव साइड्स हैं और यहाँ ट्वेंटी लिखा हुआ है ओके okay? तो फाइव साइड्स और ट्वेंटी में क्या रिलेशन हो सकता है फाइव ट्वेंटी फाइव फोर जा ट्वेंटी ओके फाइव साइड्स हैं और फोर से मल्टीप्लाई किया तो ट्वेंटी और यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स साइड्स हैं फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ट्वेंटी फोर ओके सो ऑप्शन सी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द लेटर्स आर अरेंज अकॉर्डिंगली टू फॉम अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड एक कोई जो है हमें जो ये लेटर्स का अरेंजमेंट है वो चूज़ करना है जिससे यहाँ पर एक मीनिंगफुलर्ड बने ओके okay? सो so, हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हम इन लेटर्स को अरेंज करके करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएँ और फिर देखें वो कौन से ऑप्शन से मैच करता है ठीक है तो पहले हम देखते हैं क्या वर्ड बन सकता है यस yes. देखिए ध्यान से नोबल एन ओ बी ई एल एन ओ बी ई एल ओके अब लेटर्स देखते हैं एन के नीचे फोर जीरो के ओ के नीचे वन बी के नीचे फाइव ई e के नीचे टू एल के नीचे थ्री फोर वन फाइव टू थ्री फोर वन फाइव थ्री टू फाइव एल ई होगा नोबल एंड ये होगा थ्री और ये टू ओके

यानी राइट एंड से सेकेंड बोन कौन सी हुई डी अब इससे फोर्थ बोन कौन सी होगी वन टू थ्री फोर सो आंसर इज एम सो ऑप्शन ए इज द आंसर ओके नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर ये फिगर है ये मिरर है तो मिरर में इस फिगर की कौन सी इमेज बनेगी जो भी ये एरो बने हुए हैं ये सब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे ये दोनों एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे क्योंकि मिरर साइड में है ओके okay? तो ये एरो इस साइड हो जाएगा और ये एरो इस साइड हो जाएगा तो हमें देखना है किस में ये दोनों एरो चेंज हो रहे हैं ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसी में चेंज हो रहे हैं ये तो सेम रहेंगे ये और ये एरो सेम रहेगा केवल इन दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट इनमें से कौन सा फिगर जो है इस फिगर में कहीं ना कहीं पूरी तरह से फिट होगा या मैच होगा देखते हैं ये नहीं होगा ये फिगर मैच होगी देखिए इस जगह पर ये यहां यहाँ यहाँ ओके सो ऑप्शन ए इज द आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन इन हाउ मेनी वेज कैन मीनू रीच द बुक शॉप मीनू कितने रास्तों से बुक शॉप तक पहुँच सकती है लेट सी वन टू एंड थ्री ओके सो ऑप्शन बी इज द आंसर नाउ इफ टॉफ़ी मीन्स बिस्किट बिस्किट मीन्स केक केक मीन्स बर्गर देन डैश इज कट ऑन बर्थडे अभी पिछली वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चन थे वहाँ पर कॉल लिखा हुआ था यहाँ मीन्स लिखा है इसका मतलब क्या है कि जो वर्ड के पहले लिखा है वो उसका मीनिंग है ओके okay? सो so, अगर हम केक बर्थडे uh, पर हमें काटना है तो हम क्या काटेंगे बिस्किट बिकॉज बिस्किट मीन्स केक ओके सो ऑप्शन डी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ मेनी मिनिमम स्लांटिंग लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर जो फिगर दी हुई है इसमें मिनिमम कितनी स्लांटिंग लाइन्स हैं सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके सो एट स्लांटिंग लाइन्स आर देयर सो ऑप्शन बी इज द आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर टेन इफ़ मोहित went टू ऑफिस ओनली ऑन even डेट्स इन अगस्त ट्वेंटी जो भी यहाँ पर डेट है देन फॉर हाउ मैनी डेज डज़ ही गो फॉर वर्क एज्यूम that एवरी Sunday इज़ अ हॉलीडे अगर हर संडे को हॉलीडे होता है और मोहित जो है केवल इवन डेट्स पर ऑफिस जाता है तो वो टोटल कितने दिन ऑफिस गया तो क्या करेंगे हम संडे के अलावा जितने भी इवन डेट्स हैं उनको पॉइंट पॉइंट आउट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ओके ट्वेंटी सिक्स और ट्वेल्व भी इवन डेट्स हैं बट ये संडे हैं इसलिए इनको काउंट नहीं करेंगे सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर नाउ मैथमेटिकल रीजनिंग इफ़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कैलकुलेटर रिप्रेज़ेंट ट्वेंटी फोर कैलकुलेटर्स देन वन कैलकुलेटर रिप्रजेंट्स हाउ मैनी कैलकुलेटर्स तो उसके लिए सिंपल हमें क्या करना है कि सिक्स कैलकुलेटर अगर ट्वेंटी फ़ोर कैलकुलेटर्स को शो कर रहे हैं तो वन कैलकुलेटर calculator कितने कैलकुलेटर्स को रिप्रजेंट कर रहा है इसके लिए जितने भी नंबर ऑफ़ कैलकुलेटर्स हैं उससे जितने वो रिप्रजेंट कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे इट ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय सिक्स इज इक्वल टू फोर देन वन कैलकुलेटर रिप्रेजेंट्स फोर कैलकुलेटर्स सो ऑप्शन बी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज अ कर्व फेस कौन सी फिगर में कर्व फेस है बहुत इजीली हमें देख के ही पता चल रहा है इनमें कोई भी कर्व फेस नहीं है ओनली द फिगर डी हैज़ कर्व फेस सो ऑप्शन डी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच टू फिगर्स हैव इक्वल शेडेड फ्रैक्शन कौन से दो फिगर्स के जो शेडेड फ्रैक्शन है वो इक्वल है सो वन टू थ्री फोर एंड थ्री आउट ऑफ फोर वन टू थ्री फोर एंड टू आउट ऑफ फोर वन टू थ्री फोर टू आउट ऑफ फोर एंड वन टू थ्री फोर थ्री आउट ऑफ फोर सो फर्स्ट एंड फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट और फोर्थ सेम है सेकेंड और थर्ड सेम है तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा वन टू थ्री फोर नो फर्स्ट ऑप्शन इज वन एंड फोर ये और ये सेम है टू एंड थ्री ये और ये सेम है सो ऑप्शन ए इज द आंसर सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फिगर ये जो फिगर दी हुई है इसके बेसिस पे हमें देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट करेक्ट है मीन्स रॉन्ग है देर आर फोर सिलेंडर्स यस इट इज़ करेक्ट देर आर सिक्स स्क्वेयर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इट इज़ ऑल्सो करेक्ट देर आर थ्री सर्कल्स वन टू थ्री इट इज़ ऑल्सो करेक्ट देर आर फोर कोन्स वन टू थ्री सो देर आर फोर कोन्स दिस स्टेटमेंट इज़

लंबा है longer एंड बाय हाउ मच कितना लंबा है ठीक है तो हम इसके लिए क्या करेंगे ये जो हमें यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है इनको हम अलग अलग ऐड करेंगे ठीक है फोर फोर्टी एट एंड थ्री फोर्टी एट का मतलब क्या है ओके फोर्टी एट यहाँ नहीं लिखना क्योंकि ये मीटर्स हैं थाउजेंड मीटर बन के वन किलोमीटर मिलता है बनता है इसलिए यहाँ ज़ीरो रहेगा और फोर्टी एट इधर लिखेंगे ऐड करते समय ये मिस्टेक नहीं करिएगा आप लोग एंड टू सिक्सटी इसको ऐड करेंगे तो एट सिक्स एंड फोर टेन टू एंड वन थ्री एंड सेवन इन दोनों को ऐड करते हैं थ्री टू सिक्स फोर फोर टू एट ज़ीरो फोर एट एंड सिक्स फोरटीन वन फाइव एंड सेवन ठीक तो सेवन किलोमीटर थ्री हंड्रेड एट मीटर सेवन किलोमीटर फाइव हंड्रेड फोर्टी फोर मीटर तो ये ज़्यादा है इट मीन्स वाई रूट जो है वो लॉन्गर है आप कितना लॉन्गर है उसके लिए क्या करेंगे ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे ठीक है तो सेवन फाइव फोर फोर माइनस सेवेन थ्री ज़ीरो एट आंसर आएगा टू थ्री सिक्स तो वाई रूट जो है वो लॉन्गर है बाई टू हंड्रेड थर्टी सिक्स मीटर सो ऑप्शन बी इज द आंसर ना क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फाइंड द डिफ्रेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ एंड सर्किल डिजिट इन द गि नंबर जो नंबर हमें यहाँ दिया हुआ है उसमें जो सर्किल की हुई हैं डिजिट्स उनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा तो सिक्स की प्लेस वैल्यू हुई सिक्स हंड्रेड एट की प्लेस वैल्यू हुई एट सिक्स हंड्रेड में से एट माइनस करेंगे तो आएगा फाइव हंड्रेड नाइन्टी टू सो ऑप्शन बी इज द आंसर नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इस पिक्चर को ध्यान से देख के हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर ऑफ इक्वल वेट यस पिक्चर में दिख रहा है इसका मतलब ये सही है वाटर मेलन इज लाइटर दैन कॉलीफ्लावर वाटर मेलन कॉलीफ्लावर से हल्का है नो no, यहाँ तो ये यह हैवी दिख रहा है इट मीनस ये रॉन्ग है पंपकिन इज़ हैवियर दैन कॉलीफ्लावर यस पंपकिन कॉलीफ्लावर से हैवी है कॉलीफ्लावर इज लाट लाइटर दैन वाटर मेलन कॉलीफ्लावर वाटर मेलन से हल्का है यस yes. तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है सो so, इसको हम टिक करेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर एटीन नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी एट इज सेम एज इन चारों जो एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर लिखे हुए हैं कौन सा एक्सपेंडेड फॉर्म इसके इक्वल है ये बताना है नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी एट नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड तो ये नहीं होगा नाइन थाउज नाइन हंड्रेड सेवेंटी फोर्टी एट ये भी नहीं होगा नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टी एट येस so option b is the correct answer so we will put a tick on it now question number 19 what fraction of the given figure is unshaded jo ye figure di hui hai isme कितना fraction unshaded है इसके लिए हम क्या करेंगे जो ये हमें half ऑफ shaded दिए हुए हैं इनको भी हम इनको एक मानेंगे वन टू टोटल पार्ट्स कितने हैं पहले देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ठीक है तो आउट ऑफ फोर्टीन कितने पार्ट्स अनशेडेड हैं ओके तो ये दो मिला के वन हो गया ये दो मिला के वन हो गया टू ये हो गया थ्री इन दोनों को मिला के वन हुआ फोर ये फाइव और इन दोनों को मिला के हुआ सिक्स तो सिक्स बाय फोर्टीन है ना तो ऑप्शन बी इज द आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ललिता हैज़ टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ शी वॉन्ट्स टू बाय अंड बैग दैट कॉस्ट रुपीज़ थ्री हंड्रेड टेन हाउ मच मोर मनी शी नीड टू बाय द हैंड बैग ललिता के पास टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ हैं जो उसे बैग खरीदना है वो थ्री हंड्रेड टेन रुपीज़ का है तो ललिता को और कितना मनी चाहिए ये बैग खरीदने के लिए थ्री हंड्रेड टेन में से टू हंड्रेड फिफ्टी को माइनस करेंगे तो आएगा सिक्सटी तो रुपीज सिक्सटी उसे और चाहिए सो ऑप्शन सी इज द आंसर ओके सो अप टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वी हैव डन वी विल कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन अवर नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय